हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखा जाता है और यह आसान भाषा में कैसे हम इसको बनाकर लिख सकते हैं। दोस्तों, इनका जीवन परिचय मतलब अति महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में और कैसे लिखते हैं। देखिए आप लोग, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम जीवन परिचय। आगे देखिए, छायावादी युग की महान कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। ठीक है, जो यह मतलब महादेवी वर्मा है, यह किस युग की है? छायावादी युग की क्या है? महान कवित्री हैं। ठीक है, जिनका जन्म कब हुआ था? 26 मार्च सन 1907 ईस्वी को, जो उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में है। ठीक है, इन्हें आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। ठीक है, इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आगे देखिए, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। ठीक है, इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, जो कि भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधान अध्यापक थे। ठीक है, क्या थे? भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधान अध्यापक थे। ठीक है, देखिए, तथा माता का नाम हेमरानी था। ठीक है, जो महादेवी वर्मा है, इनकी माता क्या नाम था? हेमरानी था, जो ईश्वर पर अटूट श्रद्धा रखती थी। ठीक है, या भगवान पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास रखती थी और मतलब पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देती थी। महादेवी वर्मा जी की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, जो इनकी प्रारंभिक शिक्षा थी वह इंदौर के मिशन स्कूल में थी। ठीक है, तथा उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई थी। आगे देखिए, इनका विवाह जो था अल्प आयु में ही डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी से हुआ था। ठीक है, जो इनका विवाह था बहुत ही कम समय में, मतलब कि काफ़ी छोटी थी तभी इनका विवाह किनसे हो गया था? डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा जी से। ठीक है, परंतु इनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं था। ठीक है, इनका मतलब जो विवाह जब हुआ तो मतलब वैवाहिक जीवन का अच्छा नहीं था, और इन्होंने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा भी प्राप्त कर ली। ठीक है, और इन पे क्या इन्होंने क्या किया? घर से ही क्या की? इन्होंने संगीत और चित्रकला का शिक्षा भी क्या किया? प्राप्त कर लिया। आगे देखिए, महादेवी वर्मा जी ने इलाहाबाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, जो महादेवी वर्मा ने वर्मा जी हैं, उन्होंने क्या किया? इलाहाबाद में प्रयाग जो एक महिला विद्यापीठ जो था उसके विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, उन्होंने महिला और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए बहुत काम किए। ठीक है, उन्होंने क्या किया? मतलब महिला शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए तो बहुत से काम किए। आगे देखिए, तथा भारत में महिला कवि सम्मेलनों की नींव रखी। इन्होंने क्या किया? भारत में जो महिला कवि सम्मेलन होते हैं उसकी नींव रखी थी। ठीक है, जो महादेवी वर्मा थी वह महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? मतलब ये जो थी महादेवी वर्मा, यह महात्मा गांधी के जो सिद्धांत थे उनसे बहुत ही प्रभावित थी। उन्होंने मतलब स्वतंत्रता संग्राम में भाग भी लिया था। ठीक है, आगे देखिए, महिलाओं और शिक्षा के विकास के कार्यों और जनसेवा के कारण इन्हें समाज सुधारक भी कहा गया। ठीक है, जो मतलब इनके कार्य थे, मतलब जो जनता की सेवा और मतलब समाज में जो भी मतलब अच्छाइयाँ थी उनको किया, इसलिए इनको क्या कहा गया? समाज की सुधारक। ठीक है, समाज सुधारक की संज्ञा भी दिया गया इनको। ठीक है, आगे देखिए, इनकी साहित्य सेवाओं के लिए, ठीक है, जो इन्होंने साहित्य में जो सेवा दी थी, मतलब अनेक प्रकार की रचनाएं की थी जिसमें रश्मि निहार ये सब काफ़ी मतलब चर्चित थे, मतलब उन सब के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया? जब इनकी साहित्य सेवाओं के लिए राष्ट्रपति ने इन्हें पद्म भूषण से मतलब पुरस्कार जो होता है उससे सम्मानित किया गया। ठीक है, आगे देखिए, इस प्रकार 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का निधन हो गया। ठीक है, इन सब चीज़ों और सेवाओं को करते हुए इस मतलब कब इनका निधन हो गया? 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इनका क्या हुआ? निधन हो गया, मतलब यह इनका मृत्यु हो गया। ठीक है, यही था इनका जीवन परिचय। और आगे मतलब आता है कि इनकी प्रमुख रचनाएं लिखने के लिए, तो इसमें प्रमुख रचनाएं में हम हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जिसमें मतलब हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को लिख देंगे, जिसमें निहार है, रश्मि है, निर्जा है, दीपशिखा है, शांतिगीत इत्यादि अनेक अभी रचनाएं हैं जिनको मतलब हमने नहीं लिखा है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को हमने इसमें लिख दिया है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे और मतलब लगी भी हो, तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।